हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट। नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मॉड्यूल। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फेब्रुआरी 2024 फॉर क्लैट। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर करंट अफेयर। तो दोस्तों, अगर आप फेब्रुआरी मंथ जो आपका खत्म हो रहा है और उस समय पे आपको ये समझना है कि क्या क्या टॉपिक्स के बारे में मैं रिवीजन कर सकता हूँ, कौन से टॉपिक्स के बारे में मैं जान सकता हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में छोटी छोटी सी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रहे कि बाई यू कैन से वर्किंग ऑन दिस टॉपिक्स, जो मैं आपके सामने टॉपिक्स रेज करूंगा उनके ऊपर आप ध्यान रखेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि एग्जाम में आपको एक बड़ा बेनिफिट जरूर मिल सकता है। ठीक है, नंबर वन। ठीक है, वो टॉपिक मैं ऐसे चुन के लाया हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो फंडामेंटल डेवलप करने हैं वो डेवलप करेंगे। जैसे क्लैट की परीक्षा के अंदर आपको जीके और करंट अफेयर चाहिए जो थोड़ा बहुत लेकिन से हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको देश की, दुनिया की जो फंडामेंटल इंस्टीट्यूशनल इगेन से करंट अफेयर रिलेटेड इवेंट है वो पता होने चाहिए। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपके सामने ये टॉपिक लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये ध्यान रहे कि आपको डेली अखबार पढ़ना जरूरी है। इस अखबार पढ़ने के बाद आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उन टॉपिक्स के ऊपर आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी डेवलप करना है, आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करके उसके बारे में खुद से थोड़ा सा रिसर्च करके उसकी नोट्स बनानी है। ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान रहे दैट दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये टॉपिक्स के ऊपर आपका रिसर्च, आपकी नोट्स बनाना जरूरी है। ठीक है, और मैं एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपको इसकी पूरी नोट्स बना के दे नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्या रीजन है? जब तक आप अपनी क्यूरियोसिटी के द्वारा इन टॉपिक्स को पढ़ते नहीं है, ठीक है, तब तक आपको इन टॉपिक्स के बारे में डीप जानकारी नहीं बनती है और इसके द्वारा आपको चीज़ें याद नहीं रहती है। अगर आपको आपको जानकारी नहीं बनेगी, आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी, तो मैं जो आपको नोट्स बना के दूंगा उसका फायदा क्या है? तो बेटर यू मेक नोट्स, यू डू रिसर्च, यू डेवलप योर क्यूरियोसिटी एंड देयर बाय यू प्रोग्रेस फर्दर। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रहे कि क्लैट जनरली आपसे रेगुलर अपडेट चाहता है और साथ में उन अपडेट्स के साथ हिस्टोरिकल कनेक्शंस उसका क्या है ये जानकारी इगेन से कोशिश करता है कि आपको पता हो। मेजरली जनरल नॉलेज की बात है। रिमेंबर, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि यूपीएससी सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज़ें आपको बताई जाती है, कुछ कुछ जगहों पे जो गलत बताई जाती है, प्लीज उसको फॉलो ना करें। ठीक है, यू आर नॉट अ पीएचडी स्टूडेंट, सो देयर बाय यू आर नॉट रिक्वायर टू टेक सो मच ऑफ बर्डन ऑफ डूइंग रिसर्च। ठीक है, आपको एक रिजनेबल लेवल का रिसर्च करना जरूरी है, आप अपनी रेगुलर इवेंट्स के बारे में जानकारी लेके रखें। हाँ भैया, ये ध्यान रखना जरूरी है, न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है ना, न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ध्यान रहे। सो इसके साथ मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। ये रहा पहला टॉपिक आपके सामने फेब्रुआरी मंथ के लिए। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग ऑन अगेन से पुटिंग सम लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हम अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को रेगुलरली बढ़ाना चाहते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जानकारी होना बिल्कुल जरूरी है। दोस्तों, यूनेस्को का फुल फॉर्म, यूनेस्को की इंडिया में कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, उसमें से नेचुरल कौन सी है, मैनमेड कौन सी है, मिक्स्ड कौन सी है, ठीक है, लेटेस्ट कौन सी आई, आगे कौन सी आने वाली है, ये जानकारी होना बिल्कुल जरूरी है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ग्रेट, नंबर वन। ठीक है, नंबर टू, फ्री मूवमेंट रेजीम। ठीक है, फ्री मूवमेंट रेजीम इज कमिंग फ्रॉम इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर जो परेशानियां चल रही है उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग वी वुड लाइक टू पुट अ फेंसिंग ऑन इट। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए दैट इंडिया की बॉर्डर्स, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के साथ है, उनमें से कुछ ही बॉर्डर्स फेंस वाली है, सभी फेंस वाली नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में फेंसिंग है बहुत सारे एरिया में, और बहुत सारे एरिया में फेंसिंग नहीं है। चाइना के साथ फेंसिंग कुछ कुछ एरिया में नहीं है, जैसे LAC फेंसिंग नहीं है। ठीक है, तो यहां पे बात हो रही है इंडिया म्यांमार के बॉर्डर के बारे में,
ये सुनो, इंडिया म्यांमार बॉर्डर के बारे में जो फ्री मूवमेंट रेजिम है वो पता होना चाहिए, बॉर्डर किसके साथ कनेक्टेड है, कौन से स्टेट्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपको जानकारी पता होना चाहिए, ठीक है। देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट कॉल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। दोस्तों ये नोट करें कि ये जो इंडेक्स होते हैं ना, दे आर इंपॉर्टेंट, विच टॉक्स अबाउट इंडिया का रैंकिंग ऑन दोस। देर आर सो मेनी विच आर कमिंग, आइडियली यू शुड स्टार्ट विथ वन ऑफ देम टू अंडरस्टैंड, कॉल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। हु पब्लिशेस इट, व्हाट इज इंडियाज करंट रैंक, व्हाट वॉज देयर इन द पास्ट, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे इंडाइसिस जो आगे आते रहेंगे उसके बारे में अभी फंडामेंटली डेवलप नॉलेज डेवलप करने के लिए पॉसिबली ये पहला एक्सपोजर आपको शायद मिल सकता है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है, इंडिया का रैंकिंग पास क्या था, अलग अलग कंट्रीज का रैंकिंग क्या है, इसकी जानकारी, ठीक है। बहुत सारी चीजें रट्टा मार के याद रखनी नहीं है, ठीक है, पर एक अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या पैरामीटर होते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, यह जानकारी होनी चाहिए। साहेल रीजियन में क्या चल रहा है और इकोवास क्या होता है, फॉर सम ऑफ यू ऑल दिस टर्म्स मे बी वेरी न्यू, सम ऑफ यू मे बी नोइंग इट, ठीक है, वॉट एवर इज योर करंट सिचुएशन, रियली यू शुड नॉट रियली बॉदर अबाउट इट, ठीक है, when you look at some new word, don't get into the shock of it, ठीक है, ये बिल्कुल जरूरी है। ध्यान ये रखना है कि चलो हम सीख लेते हैं, फरवरी में बैठे हैं, ठीक है, अभी तो दिसंबर में एग्जाम आने वाली है, आज अगर ये जानकारी लेंगे और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये नॉलेज मेरा गेन होगा तो बड़ा फायदा होगा। इकोवास का फुल फॉर्म क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं, ठीक है, और जब ये साहेल उसमें से निकलेगा तो साहेल क्यों निकलेगा, साहेल में अभी व्हाट इज द करंट सिचुएशन, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। देन कम्स उत्तराखंड का यूसीसी। यूसीसी इज ए यूनिफॉर्म, यू कैन से सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या, उसका भारत के संविधान के साथ क्या कनेक्शन, ठीक है, और उसके साथ साथ जो यूसीसी में ये कुछ चीजें लेकर आए उसका बेसिक यू कैन से फीचर्स क्या है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इनटू टू डीप एस्पेक्ट ऑफ एग्जैक्टली कौन से सेक्शन में क्या चीजें बोली गई थी, दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू, दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू, ठीक है। देन कम्स इंटरिम बजट इन इंडिया। यू ऑल नो दैट बजट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बजट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अ कंट्री, एवरी ईयर इट कम्स, ठीक है, और जब इलेक्शन समय आता है तो इंटरिम बजट आता है। सो इंटरिम बजट के अंदर क्या बातें रहती है, यू मस्ट नो द मेजर टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू बजट्स, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बजट के बारे में, जो जो भी फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, तो उसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ठीक है, इंडिया का पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा, उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा हम कहाँ पे करते हैं। इस बार जो इंटरिम बजट पे चार चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया था, विच इज़ नोन एज ज्ञान, ठीक है, तो वी शुड नो व्हाट इज ज्ञान, ठीक है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सो बजट कि जानकारी के द्वारा यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है, ठीक है, इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस जगह पे टारगेट कर रहा है, ये पता होना चाहिए। देन इंडिया इज इंटरेस्टेड टू इंक्रीज देयर रामसर साइट फ्रॉम 75 to 80, सो दिस आर वेटलैंड साइट्स। रामसर इज अ सिटी इन ईरान, वहां पे ये कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिया इज इंटरेस्टेड टू प्रोटेक्ट देयर साइट्स एंड दैट्स व्हाट रामसर साइट्स। रामसर साइट्स के बारे में एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो देयरफॉर यू शुड नो। भारत रत्न, इस बार 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है, सो देन यू शुड नो भारत रत्न की शुरुआत कौन कब हुई थी, सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला, अभी जो मिला है वो कौन से नंबर के हैं, किन किन लोगों को मिला है, जो जिनको मिला है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है, सो बड़ा क्रूशियल है, इसको बिल्कुल जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके अंदर वो जो भी हिस्टोरिकल कनेक्शंस है आपको पता होना चाहिए। देन द लेटेस्ट मिशन बाय इसरो ऑन GSLV F-14 इनसेट 3DS मिशन, सो यू शुड नो व्हाट इज GSLV, व्हाट इज PSLV, व्हाट डू यू मीन बाय इनसेट मिशन, व्हाट आर दिस मिशंस, इसके पहले ऐसे कोई मिशंस हुए थे नहीं हुए थे, इसरो का ओरिजिन कब हुआ था, इसरो के चेयरमैन कौन है,
पास्ट में इसरो ने क्या सक्सेसफुल अचीवमेंट करे हैं, तो इसरो के जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स है वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस आर दी अनदर यू कैन से फाइव इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स विच यू शुड नो। देन कम्स फोर इंपॉर्टेंट आइटम्स, दैट इज इंटरिम बजट के साथ बजट सेशन जो हुआ उसके बारे में जानकारी, उसके पहले विंटर सेशन हुआ था तो वो जानकारी भी साथ में रख दीजिए, और इन दोनों में जो इंपॉर्टेंट बिल्स पास हुए उसके लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, उन बिल्स का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, बस उतना पता होना चाहिए। यू आर नॉट गेटिंग इनटू टू मच डिटेल अबाउट ईच एंड एवरी बिल, और हर बिल में क्या क्या डिटेलिंग पार्ट है वो नहीं चाहिए। यू आर नॉट डूइंग दैट यूपीएससी का एग्जाम, लेट्स बी वेरी क्लियर, ठीक है। जस्ट द नेम एंड द ऑब्जेक्टिव, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, ग्रेमी अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ज्ञानपीठ अवार्ड्स, जो भी लेटेस्ट आए थे, प्लीज नोट इट, क्रिएट लिस्ट ऑफ इट, वेरी इंपॉर्टेंट। 75th एनिवर्सरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का 75th एनिवर्सरी हुआ था, तो दोस्तों कब हुआ था, कौन सी तारीख को हुआ था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कब चालू हुआ था, ठीक है, तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, शुरुआत में क्या स्ट्रक्चर था, अभी क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कितने हाई कोर्ट्स आते हैं, ठीक है, बराबर, फिर हाई कोर्ट के अंडर क्या क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, तो ये जानकारी होनी चाहिए, कितने जजेस होते हैं ये पता होना चाहिए। हुदी और रेड सी में जो प्रॉब्लम चल रहा है, प्लीज उसके बारे में ओरिजिन पढ़िए, हुदीस कौन है, रेड सी का ज्योग्राफिकल सिनारियो क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, रेड सी की न्यूज भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, भारत उसके लिए क्या कर रहा है, इंडियन नेवी उसके पर क्या काम कर रही है, एक सिस्टम पता होनी चाहिए कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में रेड सी करके सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हुदी नाम का एक ग्रुप क्यों अटैक कर रहा है, उनका हिस्टोरिकल कनेक्शन क्या है। यू आर नॉट गेटिंग इनटू टू डीप अबाउट द काइंड ऑफ यू कैन से रिसर्च इन अ ग्रेट वे, बट यू शुड हैव अ जनरल असेसमेंट कि इंडिया के लिए ये जगह का महत्व क्या है, हुदी क्यों लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका ने हुदी के सामने लड़ने के लिए एक ऑपरेशन निकाला, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड उसके बारे में बात करता है, देन यू शुड नो क्या बात कर रहा है, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड, चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के ऊपर देखा जाए तो चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन बहुत छोटा सा इलेक्शन है, पूरी चंडीगढ़ का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पूरा बजट ही 1200 करोड़ है, और उसके अंदर इलेक्शन के अंदर कोई बड़ा मुद्दा होना नहीं चाहिए। हावेवर उनके पास बहुत पावर भी नहीं होती है मेयर के पास, पर फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट के तीन जज बेंच का यह जजमेंट आता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां पे आर्टिकल नंबर 142 का यूज किया गया, क्यों किया गया, यह बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। सिमिलरली इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जो बातें हुई कि वॉट इज इलेक्टोरल बॉन्ड, क्यों इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया, ऑन वॉट ग्राउंड दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी इज प्रोवाइडेड, बड़ा महत्वपूर्ण नॉलेज गेन करने की बात है इधर, ठीक है, क्या ग्राउंड है, कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे थे तभी आपने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, ठीक है। दोस्तों कोई भी जजमेंट में जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात होती है तो संविधान के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर कुछ दिक्कतें होती है, तब उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी। फार्मर का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, उनकी क्या डिमांड है, ठीक है, बराबर है। सौंदर्श कॉली में क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या इश्यू क्रिएट हो रहा है, क्यों सोशल इश्यू इतना बड़ा क्रिएट हो रहा है, पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ, इंडोनेशिया में इलेक्शन हुआ, क्या इलेक्शन हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या आउटकम आया, ठीक है, बस उतना ही, नॉट इन अ ग्रेट डिटेल बट ठीक है, जानकारी। पेटीएम के ऊपर आरबीआई एक तरीके से बैन लगा रहा है, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, और उसके साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम इंडिया की कैसी है वो जानकारी होनी चाहिए। आपने देखा होगा यूपीआई के बारे में जानकारी आती है कि यूपीआई गोज टू पेरिस, यूपीआई गोज टू श्रीलंका एंड लॉट ऑफ अदर प्लेसेस, सो देयरफॉर यू शुड नो डिजिटल पेमेंट सिस्टम और पेटीएम क्या है, क्यों है, उसके साथ जो नोमेनक्लेचर है, केवाईसी होना, ठीक है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। सो आई बिलीव, ठीक है, दिस आर द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू शुड नो, ठीक है, ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फरवरी मंथ के लिए आपका रेगुलर जो न्यूज पढ़ना वो जरूरी है, उसके साथ ये जानकारी भी आपको अलग से डेवलप करना जरूरी है, ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर, चलिए ग्रेट। सो मेरी तरफ से ये आज
मैंने ये गाइडेंस दिया आपको, इसी तरीके से हर मंथ मैं आपको ऐसा गाइडेंस देता जाऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, ग्रेट, ऑल द बेस्ट।